प्रतापगढ़ में राशन डीलर्स की मनमानी के चलते उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि राशन डीलर दुकानों को समय पर नहीं खोलता है, ना ही समय पर राशन उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बार बार दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पिछले कई महीनों का राशन भी बकाया चल रहा है। वहीं राशन डीलर का कहना है कि मशीन खराब होने के चलते राशन देने में समस्या आ रही है, फिर भी उपभोक्ताओं को समय पर राशन देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कि जब माल आएगा उसके बाद वितरण होगा। अब माल कल मान लो अपने को 25 तारीख को माल वितरण करने के लिए आया है तो आज दुकान खुली है और माल अपडेट होगा उसके बाद मशीन में आएगा, उससे पहले तो अपन बांट ही नहीं सकते ना। मशीन में प्रॉब्लम क्या आ रही है बार बार? मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस बार ये समस्या आ रही है कि वार्ड वाइज और वोटर अवेलेबिलिटी के अंदर जिस वार्ड का राशन कार्ड है उसी वार्ड के अंदर राशन कार्ड